Hello everyone, how are you all? So I hope you all are good. So I am your computer teacher Fahim sir. Okay, and in this video we are going to study about the third part of computer hardware, and that is processing unit. Okay, so just be ready. Welcome again dear children. In this video we are going to study about processing unit. So as you all know, processing unit is the third part of computer hardware. So in previous classes we have already studied about input devices and output devices. Okay, so let's start the topic. Okay, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट होता है जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसे अलग अलग टास्क के लिए कमांड देता है. जैसे कभी हमें भूख लगती है तो हमें कुछ खाने का मन करता है, तो हमें वो जो भूख की जो फीलिंग होती है वो कहाँ से पता चलता है. या जैसे कभी हम एक साइकिल चलाना सीखते हैं तो धीरे धीरे हमें पता होता है कि हमें कैसे चलाना चाहिए, हमें कहाँ पे पैर रखना चाहिए, कितना बैलेंस होना चाहिए. ये सब चीज़ों का कंट्रोल हमें कौन देता है, कंट्रोल जो है वो कौन करता है? जी हाँ, हमारा माइंड करता है, हमारा ब्रेन. ओके, सो आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. सो लाइक दैट वन पार्ट that controls all the other parts of computer system and that is called processing unit. और जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं. Okay, so CPU stands for central processing unit. It is also known as the brain of the computer. So it is one of the important parts of the computer. CPU processes the input data and gives the result through the output device. मतलब CPU ही जो है हमारे सारे काम को परफॉर्म करता है. उसे हम जो भी हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड या माउस के थ्रू, उसको वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसका रिजल्ट शो करता है. ओके, जैसे हमारे ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही CPU के अंदर अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होता है. सो देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द CPU. फर्स्ट वन इज मेमोरी यूनिट MU, सेकेंड कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU बोलते हैं, एंड थर्ड इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में. सो मेमोरी यूनिट स्टोर्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर प्रोसेस्ड बाय द CPU. तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट का क्या काम है कि CPU के द्वारा जो भी प्रोसेसिंग होता है उसका जो डेटा और प्रोग्राम होता है वो मेमोरी यूनिट में सेव होता है. मतलब मेमोरी यूनिट उसको सेव करने का, स्टोर करने का काम करती है. ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल. सपोज आपने एक ड्राइंग बनाया है और आप उसे सेव करना चाहते हैं, तो जो आपका डेटा, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसे सेव करने का काम कौन करेगी? यहाँ पे मेमोरी यूनिट आपके डेटा को स्टोर करेगी. यस, नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू द आउटपुट डिवाइसेस. तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि जो भी डेटा फ्लो होता है इनपुट डिवाइस से जो मेमोरी में जाता है या जो मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में जाता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. एंड इट इंस्ट्रक्ट्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन. मतलब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट जो है सारा काम खुद कंट्रोल करती है. मतलब ये ALU जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो पार्ट है CPU का, उसको भी ये किसी भी टास्क को, किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है. तो सपोज आपको एक यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर अगर टाइप करेंगे, सपोज आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो आप यहाँ पे अगर 5+5 यहाँ पे लिखते हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो कौन करेगा? CU करेगा, उसको कंट्रोल यूनिट. और वो किसे, इसको प्रोसेस करने के लिए किसे वो बोलेगा? ALU को, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को. और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट उसे सॉल्व करके उस वापस वो कंट्रोल यूनिट को भेजेगी. ओके, और उसके बाद आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं. Now the third part of processing unit is ALU, arithmetic and logic unit, which performs all arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division, as well as logical operations. For example, greater than, less than, equal to, etc. मतलब यहाँ पे ALU का क्या पार्ट होता है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, किसी नंबर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन, मतलब कोई भी ऐसे कैलकुलेशन वाला काम जो अरिथमेटिकल वर्क हो उसे ये परफॉर्म करेगा.
या फिर लॉजिकल ऑपरेशन हो। लॉजिकल मतलब अगर आपको दो नंबर्स के बीच देखना है कि वो कौन सा उसमें बड़ा होगा, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल टू है, तो ऐसे लॉजिकल ऑपरेशंस को भी एलयू परफॉर्म करती है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ओके, सीपीयू को ही हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट प्रोसेसिंग यूनिट एंड दैट इज सीपीयू। और सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, एमयू, सीयू एंड एलयू। ओके, एंड वी हैव लर्न अबाउट देयर फंक्शंस आल्सो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट देन वंस अगेन वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।